ए देर दिस इज़ कुशल और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बिलमान इक्वेशन को एकदम स्क्रैच से समझने के लिए कि कहाँ से बिलमैन इक्वेशन आई और इसका क्या यूज़ है वो तो हम चलो आगे के वीडियोस में ज़रूर देखेंगे इन द डायनेमिक प्रोग्रामिंग बट अभी के लिए फ्योर स्ट्रगलिंग कि ये कहाँ से आई इफ़ यू आर फॉलोइंग सम दिस इज़ द वीडियो विच यू शुड बी वॉचिंग क्योंकि इससे पहले जो दो तीन वीडियोज़ हमने देखी द लास्ट वीडियोज़ अबाउट बिल इक्वेशन उसमें जो डेरिवेशन था उसमें मैंने आपसे दो तीन सवाल पूछे थे बट आई डोंट गॉट एनी रिस्पॉस इन द कॉमेंट सेक्शन सो आई थॉट मेरे को एक और क्लैरिफाइड वीडियो बनाना चाहिए एंड दिस इज़ अबाउट दैट ठीक है सो so, मैं थोड़ा सा वीडियो को क्विक रखूँगा ताकि आप लोग जल्दी से इसको समझ सकें तो आप लोगों को याद होगा दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट अ वैल्यू फंक्शन वी पाई एस इसको हम बोलते हैं स्टेट वैल्यू फंक्शन ठीक है क्या है ये स्टेट वैल्यू फंक्शन एस वी एफ ठीक है ये क्या था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी टी वेन स्टेट एस जी क्या है डिस्काउंटेड रिटर्न ये क्यों आई ये इक्वेशन ये मैंने ज़रूर पिछले वीडियो में बताया आप जाके देखें आर एल नंबर नाइनटीन ट्वेंटी ऐसे करके जो वीडियोज़ है वे बिल इक्वेशन के वो आप जाके ज़रूर देखें इसके बाद में वी विल एक्सपैंड दिस इक्वेशन वो हम कैसे करेंगे ई पाए आर टी प्लस वन प्लस गामा आर टी प्लस टू प्लस डॉटर डॉट एस टी इक्वल्स टू एस तो आपको ये भी पता है कैसे आए तो अगर आपको ये नहीं पता कैसे आया आप जाएँ और डिस्काउंटेड uh, रिटर्न या फिर रिटर्न एन एपिसोड वाला जो वीडियो है वो देखें मेरी ही प्ले लिस्ट का मेरे ही चैनल में ठीक है इसके बाद में हम क्या करेंगे वी विल जस्ट एक्सट्रैक्ट आउट दिस रिवॉर्ड और बाकी सबको हम समेशन ऑपरेटर के साथ लिख देंगे तो गामा इन टू समेन के इक्वल्स टू ज़ीरो से इन्फिनिटी गामा के आर टी प्लस वन प्लस के प्लस वन अगर आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है कि समेशन में कैसे कन्वर्ट किया डोंट वरी यार ये सिर्फ बचे हुए टर्म्स हैं मैंने बस उनको ऐसे लिखा है ओके आगे चलते हैं गाइस और आगे हम देखते हैं अबाउट द नेक्स्ट स्टेप तो अब क्या करेंगे हम अगर आप देखें इस चीज़ को गामा इन्फिनी ये जो चीज़ ये टोटल चीज़ क्या बता रही है आप देखें ये मतलब अभी तक क्या था जी टी था ठीक है ये जो मैंने एक्सपैंड किया ये पूरा जी टी था ठीक है जी टी में से अगर मैंने फ़र्स्ट टर्म हटा दी तो ये क्या हो गया जी टी प्लस वन अगले टाइम स्टेप की डिस्काउंटेड रिटर्न है ना ये क्योंकि हम उसके अगले टाइम स्टेप से डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इसको क्या लिखूँगा ई पाई आर टी प्लस वन प्लस गामा जी टी प्लस वन गामा एज अ डिस्काउंट फैक्टर ये सब पिछले वीडियोस में डिस्कस्ड है तो ज़रूर जाके देखें ठीक है गाइज ये यहाँ तक हमने करा अब हम क्या करेंगे अगर आप एक चीज़ देखें कि ये जब अगले अगले स्टेट की रिटर्न है ठीक है तो ये अगले स्टेट की रिटर्न तो ऐसे कैलकुलेट नहीं होगी ये कैलकुलेट होगी क्योंकि आपको ये पता नहीं है अगले स्टेट की रिटर्न ना दिस इज़ अनसर्टेन नाइक आई वोट से अनसर्टन बट दिस इज समथिंग जो अभी के स्टेट की नहीं है तो ये डिपेंड करती है अगले स्टेट में और इसकी एक अलग एक्सपेक्टेशन होगी एंड वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ओनली सो वी कैन राइट गामा ई पाए ऑब्वियसली यही पॉलिसी फॉलो कर रही है जी टी प्लस वन जो कि डिपेंड करती है सिर्फ अगले स्टेट में डाटे तो एस टी प्लस वन और दिस इज दिस थिंग और इसके साथ में जो एस टी इक्वल्स टू एस था वो तो है तो ये एस टी इक्वल्स टू एस है इस वाले एक्सपेक्टेशन की मैं रंग से कर देता हूँ ये इस एक्सपेक्टेशन की है और ये एस टी प्लस वन इस एक्सपेक्टेशन की है कैसे आया ये जो गामा जी टी प्लस वन था ऊपर इसको हमने एक्सपेक्टेशन करके लिखा है बिकॉज वो अगले स्टेट की और वो इस पर डिपेंड करती है तो वीन इन अ सेपरेट एक्सपेक्टेशन फॉर दैट अब हम आगे चलेंगे और अब हम क्या करेंगे ये जो ई पाए जी टी प्लस वन एस टी प्लस वन जो आप देख रहे हो ना इसको हम बोलते हैं वैल्यू ठीक है वैल्यू क्या होता है एवरेज रिवॉर्ड्स अगर आप यहाँ देखो इस वाले इक्वेशन को तो ई पाए जी टी एस टी इक्वल्स टू एस क्या दे रहा है हमें वी पाए एस ठीक है तो ई पाए जी टी प्लस वन एस टी प्लस वन हमें क्या देगा वी पाए एस टी प्लस वन दैट्स फॉर नेक्स्ट एट सो वी पाए एस टी प्लस वन नेक्स्ट एट की वैल्यू गामा और एस टी इक्वल्स टू एस तो था ही जो उस वाले एक्सपेक्टेशन का था प्लस आर टी प्लस वन ई पाए ठीक है ठीक है ना आई गेस ये सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक जो भी आप देख रहे हैं वीडियो अब हम आ, एक अच्छी सी चीज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या है आप देखें दो आपके पास हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन डिवाइड हो जाएगा दोनों में सो यू विल राइट ई पाए आर टी प्लस वन को आर लिख दूँ तो सिर्फ आर लिख देता हूँ ठीक है ई पाए आर प्लस ई पाए गामा वी पाए एस टी प्लस वन ठीक है ये दूसरी चीज़ हो गई अब हमको क्या करना है जब भी आपको पता है ये एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर होता है तो एक्सपेक्टेशन का एक मैंने वीडियो आपको बताया है जो बिलमान सॉरी जो बिलमान इक्वेशन का नंबर वन वीडियो है दैट्स फॉर जो इससे पिछले से पिछले वाला वीडियो है ना बिलमान इक्वेशन के दो वीडियो मिलेंगे उसमें नंबर वन वीडियो में आपको मैंने एक्सपेक्टेशन की मैथ मैथमेटिक्स बताई बताई दैट इज प्रोबाबलिटी इन टू रैंडम वेरिएबल ठीक है तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आर है रैंडम वेरिएबल शब्द से अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो मान के चलें जिस चीज़ की हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो चीज़ तो ये मल्टीप्लाई होगा इसकी प्रोबाबलिटीज है ठीक है इसकी प्रोबाबलिटी क्या है दो प्रोबाबलिटी से निकल के आएगी एक तो आपकी पॉलिसी और एक आपकी स्टेट कैसे ये ये भी मैं पिछले दो वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ तो एक तो है आपकी पाई ए एस पॉलिसी और एक है आपकी स्टेट ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी तो पाए आर एस कॉम आई दिस इज़ फॉर रिवॉर्ड ठीक है एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर स्टेट क्योंकि यहाँ पे हम रिवॉर्ड वाली प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे क्योंकि ये हम आर के लिए निकाल रहे हैं सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई आर और इसके साथ हम प्लस करेंगे क्योंकि ये दो अब दो है ना ई e पाए तो एक इसकी तो निकाल ली अब दूसरे की निकालेंगे तो उसके साथ भी सबसे पहले पॉलिसी मल्टीप्लाई होगी क्योंकि पॉलिसी तो गवर्न करती है कौन सा एक्शन आप लोगे या कौन सा नहीं लोगे पॉलिसी मल्टीप्लाइड बाई स्टेट ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी दैट इज़ पी एस डैश इज फॉर नेक्स्ट स्टेट या फिर आप लिख लो एस टी प्लस वन और नॉन दैट के अभी की स्टेट और एक्शन पता है मल्टीप्लाइड बाय वी पाई एस जो ये वी पाई एस था ठीक है और इसका जो गामा था वो गामा यहाँ बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक समेशन लगेगा क्योंकि ये सारी सारी स्टेट्स पे हो रहा है ये सारा काम तो ये समेशन है एस डैश के लिए इधर एक समेशन लगेगा दैट इज़ फॉर आर इधर एक समेशन लगेगा दैट इज़ फॉर ए ठीक है तो ये हैं आपकी बेलमैन इक्वेशन इसको जब आप थोड़ा और मनीपुलेट करोगे ना सॉल्व करते 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 कुछ चीज़ें बेसिकली आपको कुछ कंबाइन करना है कुछ नहीं करना अल्टीमेटली विल गेट द फाइनल बिल बिल मान ए क्वेश्चन दैट इज समे ए पाई ए एस दैट इज द पॉलिसी समेशन एस डैश समेशन आर हमने क्या है दोनों समेस को कंबाइन कर दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश आर मतलब आपकी स्टेट रिवार्ड की प्रोबाबलिटी ए की एस में आ गई ये मान के चलो तो एक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये हर थोड़े से प्रोबाबलिटी के बेसिक्स हैं अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर इन चीज़ों पे भी वीडियो बनाया जाएगा ए एस डैश मतलब एस टी प्लस वन ठीक है तो अगर आप देखें बिलमान इक्वेशन क्या करती है आपकी अभी की वैल्यू को आपकी अगली वैल्यू पे या जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे आपको कनेक्ट कर देती है इधर क्या है वी पाए एस सिमिलरली आप क्यों पाए इसके लिए भी निकाल सकते हैं बट वो मैं आपको नहीं बताऊँगा कि वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ तो ये बेलमैन इक्वेशन का थोड़ा सा डेरिवेशन था थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग अजीब है बट बटकाइज आई गेस मैंने आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो इलॉजिकल लगी हो जैसे अगर आप री इन्फोर्समेंट लर्निंग बुक में जा देखें तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स डिस्कस्ड नहीं हैं ओके सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आई होप आपको क्योंकि मैं जब ये समझ रहा था मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था तो आई होप अगर आप खुद री इन्फोर्समेंट लर्निंग बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप ख़ुद से सीख रहे हैं या फिर आप ये वीडियोज़ भी देख रहे हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं मैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग डीप लर्निंग ए और फ्यूचर में न्यूरो साइंस साइकोलॉजी इन सब पे वीडियोस बेसिकली मेरा ये गोल है अभी तक मैं इन चीज़ों पे बना रहा हूँ आगे मैं न्यूरो साइंस साइकोलॉजी और अगर भगवान की इच्छा रही तो क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी वीडियोस बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच ओके तो आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें गुड लक गुड बाय and I'll see you in the next one.